आप सभी का हमारी शमाज़ गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस खूबसूरत खूब प्यारे प्यारे फूलों के बारे में बताऊंगी जो कितना खूबसूरत है और ये बेहद अच्छी खुशबू देता है। छोटी छोटी धीमी धीमी बहुत प्यारी खुशबू इसके अंदर आती है और इसका नाम है वाइट एंजल एंड इसको हम लोग भी कहते हैं, बहुत से लोग श्रीलंका टगर भी प्लांट का नाम फूल का नाम है। और ये सी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, ये हर जगह ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें हल्की सी धीमी सी खुशबू आएगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो आज इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देंगे और इतनी अच्छी सी फ्लावरिंग कैसे ले इसको भी मैं बताऊंगी और इसकी कब स्टार्टिंग होती है। कोशिश तो करूँगी पूरी बताने की, जानकारी कोशिश होती है मगर कभी 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 बहुत सी बातें हम लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस प्लांट के कई नाम हैं। मुझे इसको जापानी जूही के नाम से दिया गया था, नर्सरी वाले से मैं लेके आई जब, तो इसका जब मैंने सर्च किया तो इसके काफ़ी अच्छे अच्छे नाम आए, बहुत अच्छे और बहुत प्यारा प्लांट है, खूबसूरत फूल देते हैं। जैसे कि हम लोगों के छोटी चमेली आती है उसी तरह इसमें इसी तरह की होती है, मगर उसमें सिर्फ 5 तरह की उसकी गोल लीव्स नहीं होती, इसकी गोल होती है और इसमें छोटा सा आपको अंदर दिख रहा होगा ये येलो कलर का होता है। और चमेली में फूल में खुशबू नहीं आती, इसमें हमारे यहाँ आती है। तो ये हम लोग उसको वाइट एंजल के नाम से, कितना प्यारा नाम है इसका, उस नाम से इसको बहुत ईजिली से सब लोग जानते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसके कई फ़ायदे हैं, फूल लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपका प्लांट लगाएं, आपके गार्डन में फूल ही फूल मिलेंगे। और इसकी ग्रोथ के बारे में भी मैं बहुत ईजिली बताऊँगी जिससे आप लोग ईजिली इस प्लांट को लगा सकते। तो देखिए, बारिश की वजह से फूल काफ़ी झड़ जाते हैं, बारिश अभी भी मेरे यहाँ हो रही है। मैंने सोचा चलिए सबसे पहले परसों, हमारे यहाँ 2-4 दिन से बारिश अच्छी हो रही है और बहुत प्यारी पेड़ हो गए हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। तो देखिए, इनके बारे में आपको मैं डिटेल में बता दूँ कि इस प्लांट को जब हम लोग जाएंगे तो नर्सरी से लेके आएंगे, ये आपको समर स्टार्ट से ही मिलना शुरू हो जाएंगे कि समर में बेहद अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, बहुत अच्छी, थोड़ी सी कम केयर करने पर इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, जितनी अभी पूरी लीव्स में भर जाएगा, ये देखिए इधर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, मैं आपको दिखा दूँ, दिख रहा है कि आपको साफ, मुझे तो कहीं से दिख नहीं रहा है साफ, आपको ही दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी अच्छी फूल है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसकी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसको नर्सरी से लेके आ सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं, इसकी सॉफ्ट भी कटिंग होती है, हार्ड भी लग जाती है तो ईजिली इसको सर्वाइव करता है। रेनी सीजन में, समर में आप स्टार्ट करेंगे तब लगा दीजिए इसकी कटिंग। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगी आपको रेनी सीजन में बताऊँगी कि रेनी सीजन में आप अपनी कटिंग लगाइए और बहुत ईजिली वो सक्सेस हो जाती है, बहुत खूबसूरत फूल इसके होते हैं। तो सबसे पहले कटिंग के बारे में बात होगी, अब इसकी सॉइल के बारे में, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए कि बारिश में इसको पानी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए आपको अपने 40% गार्डन मिट्टी यूज़ करनी पड़ेगी, आप इसमें 20% रिवर्स सैंड यूज़ कीजिए और उसके बाद आप इसमें यूज़ कीजिए कोको बीट एंड इसमें थोड़ी सी आप बोन मील और इसमें थोड़ा सा नीम खली और 5% ये चीज़ें यूज कीजिए राग और 30% से कंपोस्ट खाद। इस सब चीज़ों को अगर मिक्स करके आप अपने प्लांट में लगाएंगे, अगर फ्लावरिंग भी नहीं दे रहा होगा तब भी फ्लावरिंग देने लगेंगे। मेरे फर्स्ट व्यूअर्स से वो फ़ोन कमेंट्स करते हैं कि उनके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ हर प्लांट के लिए कि उस पर थोड़ा सा वोन मील, नीम खली एंड मस्टर्ड केक, इन सबका एक लिक्विड बनाइए और ये लिक्विड आप डालते रहिए। अगर नहीं डाल पा रहे हैं लिक्विड बना के, तो आप इस चीज़ों को नीम खली और बोन मील और कंपोस्ट खाद या आपकी और किचन वेस्ट खाद, ये सब मिक्स करके अच्छी सी लेयर, अब 2 इंच की लेयर, अब बरसात शुरू हो गई, अब 2 इंच की लेयर लगा दीजिए उसमें मिट्टी खाली करके, फिर देखिए फ्लावरिंग जरूर स्टार्ट हो जाएगी। और फुल सनलाइट में दीजिए, जितने फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं उनको फुल सनलाइट प्रोवाइड कीजिए कि फुल सनलाइट नहीं मिलेगी तो फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। फुल सनलाइट से फ्लावरिंग हमारे प्लांट में बहुत अच्छी होती है। देखिए मेरे यहाँ कितनी छोटी छोटी कलियाँ और काफ़ी दिन से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के लिए इसका वीडियो बना दें, एक फूल का बहुत, मैंने चलिए एक ही खेला है तो क्या हुआ, फ्लावरिंग तो देखने को मिल जाएगी, और भी खेले हैं मगर गिर गया है, देखिए दिखा दूँ मेरे को, गिरा है लग रहा फूल कि बारिश स्टार्ट हो गई है। देखिए
बारिश स्टार्ट हो गई तो फ्लावरिंग तो गिरना बढ़ता ही है कि बारिश तेज़ हो रही है, फूल गिर जाते हैं प्लांटों से। तो देखिए इसको मैंने ये बात कह दी, अगर आप इसको समर में रख रहे हैं, गर्मियों में बहुत तेज़ धूप होती तो उसको एक दो घंटे की धूप दिलाते रहिए, फिर आपको ये सेडेरियम रखते रहिए, नेट के नीचे रखिए तो बहुत अच्छे सर्वाइव करके। तो मई जून जुलाई की बहुत तेज़ धूप होती है, जुलाई में चलिए अब की बारिश बहुत अच्छी हो रही है और जून में बहुत गर्मी पड़ गई है। और तब भी देखिए मैं इसको नेट के नीचे रखती हूँ, मेरी कोई टिप्स इसकी चली नहीं है और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी ये फ्लावरिंग कर रहा है। अब बारिश का सीज़न है तो बारिश का पानी इसको देखिए प्लांट में हम इस तरह से कर देते हैं जिससे हमारे प्लांट में बारिश का पानी रुकता नहीं है। इसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छा है, ड्रेनेज होल जितना अच्छा होगा आपके प्लांट में पानी नहीं रुकेगा। देखिए और भी प्लांट मेरे हैं कि सबके नीचे से ट्रे हटा दी है, ड्रेनेज होल बहुत अच्छे हैं जिससे पानी नहीं रुकेगा कि मेरे यहाँ से बारिश हो रही है बहुत अच्छी। और देखिए किसी में भी आपको पानी नहीं रुके मिलेगा, पानी रुकेगा तो रूट्स ख़राब हो जाएंगे इसके, और जब किसी भी प्लांट का है पानी रुकने से रूट्स ख़राब हो जाते हैं। अब आते हैं इसकी मैंने फर्टिलाइज़र की, अगर आप इसको एक महीने में एक मुट्ठी बोन मील और कंपोस्ट खाद का मिक्स, 2 चम्मच बोन मील और कंपोस्ट खाद 1 मुट्ठी आप मिक्स करके इसमें डालते रहेंगे तो ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। और इसमें फंगस बचाने से लिए आप इसमें थोड़ा सा कोयले की राख डालते रहेंगे 1-2 चम्मच, तो उसमें फंगस कभी नहीं लगेगी। और प्लांटों में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, नीम ऑयल का स्प्रे अगर करते रहेंगे तो प्लांट में कीड़े मकोड़े, ये बहुत बरसात में इतने पेस्टिसाइड हो जाते हैं, कितने सारे कीड़े उगने लगते हैं, सब पेड़ों को ख़राब कर देते हैं। तो वो स्प्रे इस पर अगर 15 दिन में करते रहेंगे, वैसे बारिश में धुल जाते हैं तब भी थोड़ा बहुत असर वो करते रहेंगे। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम अपने प्यारे से वाइट एंजल फूल को केयर कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत फूल होता है। इसके बारे में आपको मैंने जो बताई हैं कई बातें ऐसी होती हैं इस प्लांट को, हमारे यहाँ ये बुशी होता है, काफ़ी बड़ा प्लांट नहीं होगा, अगर ग्राउंड में लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, वैसे तो ये 1 फीट तक का ही आपके गमले में रहेगा। मैंने अभी इसको 8 इंच के गमले में लगा रखा है, फिर इसको जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो 10 इंच तक इसके लिए पर्याप्त है, 10 इंच के गमले में आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं, बहुत इजीली सर्वाइव करेगा उसमें और बहुत अच्छी वो फ्लावरिंग करेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको हफ्ते में एक बार देते रहेंगे तो फूल ही फूल आपके गार्डन में खिले रहेंगे। जो मेरा वीडियो नंबर 26 पे है आप इसको वॉच करके उसको देखिए, उस तरह से बनाइए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने वो प्लांट में, हर प्लांट में देते रहेंगे, फ्लावरिंग है जो सो प्लांट है उसमें बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लांट को बहुत अच्छे से फ्लावरिंग के लिए तैयार करते हैं। तो फ्लावरिंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी, ये मेरे पूरा भरता जाएगा आपको, ये स्टार्ट जनवरी से स्टार्ट फ्लावरिंग होती है इसकी, आपको अक्टूबर तक इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, फिर इसके बाद आपको ग्रीन ग्रीन लीव्स दिखेंगे, फिर इसकी अच्छी सी ग्रोथ बन के फिर आपको नेक्स्ट टाइम ये फ्लावरिंग करेगा। तो ये प्लांट आपको हर विदेश में मिलेगा, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, गार्डन में मिलते हैं कि इतना खूबसूरत प्लांट होता है और इतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है तो इसको हर आदमी अपने घर में जरूर लगाता है। तो इसके मैंने आपको छोटी छोटी बातें बता दी हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बता दी है, फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो उसके बारे में भी बता दी, कि कोशिश करती हूँ एक ही में सारे आपको जानकारी मिल सके जिससे आपको बार बार दूसरी वीडियो नहीं देखने पड़े। तो इसलिए ये प्लांट को आप ईजिली अपने घर में लगाइए, और बरसात के टाइम आ गया है, लगा हुआ प्लांट है तो इसकी कटिंग अगर आपको और चाहिए तो इस तरह से आप इसकी कटिंग लगा दीजिए यहाँ से कट करके, और किसी भी सॉइल में आप इसको नॉर्मल सॉइल अभी लगा दीजिए कि बरसात के पानी में सारे न्यूट्रिएंट्स होते थे जो हमारे प्लांट को मिलना चाहिए, तो इसलिए हमारा प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, खूबसूरत फूल देते हैं, गार्डन बरसात में भी हरा भरा हमारा गार्डन बना रहता, बहुत खूबसूरत लगता है अपना गार्डन, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, सबका एक जैसा गार्डन खूबसूरत लगना चाहिए, अच्छे अच्छे फूल खिलने चाहिए। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपके पास मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने कोशिश की आपको बताने की, अगर आपके मैं कुछ भूल गई हूँ, आपको कुछ जानकारी पता लगानी है तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।